क्यों हंस रहा है तू? क्यों हंस रहा है? आपने बोला कुछ आइडिया सोच सोचने को प्रैंक करने का। क्या बोलती हो? प्रैंक सोच रहे हैं और ये लोग पता नहीं किस लेवल का सोच रहे हैं। वो कुछ बहुत ही खतरनाक सोच सोच के तब से मुस्कुरा रहा है। हां मैं बोल नहीं सकता, बहुत डरावने प्रैंक। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है विमेंस डे, मेरी तरफ से आप सभी को दुनिया की सारी जितने भी औरतें हैं उन सबको विमेंस डे बहुत बहुत मुबारक। आपका दिन सिर्फ आज का ही नहीं है, आपका दिन हमेशा का है, हर दिन आपका दिन है। औरतों के बिना मर्दों का वजूद बिल्कुल नहीं है। कितना भी बोल दो कि मर्द स्ट्रांग होते हैं, ये होता है, वो होता है, नहीं, औरत से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता। तो आप सभी को हैप्पी विमेंस डे, सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए भी। अब है विमेंस डे तो मेरे घर में भी औरतें हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेशकीमती है, मायने रखती है, ऑब्वियसली हर एक घर में है। तो मैं सोच रहा हूँ उनका क्या करूं मैं, ठीक है। अब दीपिका तो यहाँ पे रहती है तो मैं इससे मैं कुछ छुपा नहीं सकता। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज विमेंस डे के दिन अम्मी लोगों पर कोई प्रैंक किया जाए। और ऑब्वियसली बात है, विश तो करेंगे और कुछ प्रैंक किया जाए, लेकिन प्रैंक मेरे समझ में नहीं आ रहा। और ये खुराफाती यहाँ पे बैठा है, बहुत ही खतरनाक वाले प्रैंक बता रहा है, वो मैं करना नहीं चाहता। मैं सबसे पहले ही बोल देती हूँ, अम्मी सॉरी, इस बार ना चाहते हुए भी मैं इनकी टीम में हूँ। मैं प्रैंक लीग नहीं कर सकती। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैंने मन में सोचा कि पेस्ट्री मंगाई जाए और पेस्ट्री के अंदर मिर्ची भरी जाए, मिर्ची खिला दी जाए। फिर मैंने कहा नहीं यार, वो ज्यादा हो जाएगा, अम्मा को नुकसान कर जाएगा। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम प्रैंक करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा डरावना है, कुछ नहीं करेंगे। तो हम देखो, हम केक तो काटते हैं, हमेशा केक काटते हैं। तो इस बार हमने सोचा था कि पेस्ट्री काटेंगे। पेस्ट्री से मेरे दिमाग में आया कि ना केक काटे, लेकिन केक जो है वो अपना बेक वाला केक नहीं होगा। हम आटा गूंदेंगे और आटे को राउंड करेंगे, उसमें चॉकलेट आइसक्रीम डालेंगे ऊपर से और वो खिलाएंगे। ये एक प्रैंक होगा वुमेंस डे पे। और बनता है यार, तो बनता है कि नहीं? तो आटा गूंदना पड़ेगा, पर मेरे को मुझे गूंदना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वजह से मेरा व्लॉग अटका हुआ है, मैंने कुछ नहीं शूट किया अब तक। तो चलो हम आटा गूंदते हैं। और अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे फिर आटा गूंदने के बाद? ये बच गई इस बार प्रैंक में। आटा गूंदने के बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आटा गूंदते वक्त उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल देना। हाँ? तो हो सकता है अम्मी बीइंग इनोसेंट अम्मी वो काट के खिलाते वक्त तक समझेंगी नहीं, क्योंकि वो ब्राउन कलर का होगा। हाँ? हो सकता है काटते वक्त जब वो निकाल रही होंगी तभी भी समझ जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अम्मी अपने बच्चों को बचाने के लिए उनको अगर कुछ गड़बड़ भी लग रही होती है तो बेचारी उस वक्त बोलती नहीं है, वो छुपा जाती है, फिर बाद में बोलती है ये गड़बड़ है क्या। हो सकता है आप लकी हो जाओ। और फिर उसके बाद उसकी आइसिंग बनाना और उसको आइसिंग से कवर करना, डेकोरेट करना, उस पे हैप्पी मदर्स डे लिखना और कटवा लेना। विमेंस डे, हैप्पी विमेंस डे लिखना और कटवा लेना। लोग बोलेंगे कितना कमीना है, विमेंस डे पे उनको प्रैंक कर रहा है। उसके बाद असली केक खिलाओगे ना? तो चलो चलो, नहीं है मेरे पास, मंगवाना पड़ेगा। तो आपको जाना तो पड़ेगा नीचे। कहां? नीचे। क्यों? क्रीम नहीं है वो बोलता हूं ना अभी हम देगा, ठीक है? तो क्रीम आ जाएगा। तो फिर रुक जाओ ना, कोको पाउडर भी तो मंगवाओ। और मेरे को बड़ा डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि बना तो रहा हूँ मैं, पचका ही हो जाए पूरा, फिर कुछ ना हो। देखते ही अम्मी बोलेंगी ये कुछ अजीब क्यों लग रहा है शालू। आज हमारे कैमरा में कोई खांसी हुई है, बीच में बहुत आम में सर्दी हो रखी थी, खर्च है क्या बोल रहा है। इतने एफर्ट्स किसी को उल्लू बनाने के लिए, शर्म को। लास्ट मैंने आटा कब गूंदा था? मेरे लिए पूरी बनाते वक्त। हाँ, ज्यादा हो गया पानी आई थिंक। नहीं नहीं ऐसा बड़ी मेहनत है इस प्रैंक में यार। मेरा प्रैंक फेल नहीं होना चाहिए, इनको समझ नहीं आने चाहिए। दीपी, इनको अगर खुशबू आ गई तो? क्या खुशबू आ गई? मुंह के पास अगर खुशबू आ गई कच्चे आटे की, वो तो देखो वो तो रिस्क है। अगर किसी ने खाने से पहले सूंघ लिया या देख लिया तो वो समझ जाएंगे। चलो कम से कम आटा गूंदो तो आ गया, मेरे को दूसरी बार गूंदो और सही गूंदा। ये बन गया आटा, गूंद लिया है और ये ऐसे पेस्ट्री बनाऊंगा मां के, तेल लगाता हूं। दीपी प्लेट है, कोई प्लेट में रखना पड़ेगा ना।
निकालू निकालो ऐसे 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 कर देंगे, तेल में सही से लगाया। तो ये हमारी जो है फेक पेस्ट्री जो है वो रेडी हो गई है। बाय द वे मैंने रियल फ्लास्क मंगा के रख लिए हैं और रियल केक भी आ चुका है। ये तो खैर फेक है और ये चॉकलेट रियल है। इसकी हम आइसिंग करेंगे, ऊपर से हम इसको कोट करेंगे ताकि वो ऊपर से लगे कि अच्छा होके पेस्ट्री बनी है। मैं जब एक्चुअली केक बना रहा था क्यों दीप्ती, लेकिन फिर मजा नहीं आता ना, खुराफात नहीं होती। ये हमने ये एक्चुअल चॉकलेट है, इसको अब आइसिंग के लिए अब हम इसको मेल्ट करेंगे अभी। और फिर एक्चुअली वक्त हो रहा है पापा के खाने का, तो मम्मी पापा खाना लाती होंगी, तो हम इसको छुपा देती कहीं पे किसको, इनको ऑब्वियसली हाँ अम्मी किचन में नहीं, अम्मी किचन में भी आ जाएंगी, रूम में रखवा दे, दरवाजा बंद कर देना, बोला नहीं अम्मी आपके लिए यहाँ पे मैं केक बना रहा हूँ, आप नहीं आ सकते। आप ही जाएंगे तो ये थोड़ी खोलेंगे, अभी गैस पे रखोगे तो वो बहुत ज्यादा चल जाएगा, हीट ज्यादा नहीं चाहिए, पानी भी ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब 10-15 मिनट लगेंगे। एक पे ट्राई करो क्या, ठीक तो है, ये देखो दिख जाएगा वो कैसे दिखेगा इतनी। हाँ तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी हर एक केक पे आपको उतना डालना पड़ेगा, पचका हो गया है ये, कौन ना पड़ जाए, गिर जा भाई, जितना पानी गिरना है गिर जा। मामा जलेबी बन रही है क्या? वो आटा पिघल जाएगा नीचे से पानी गिरेगा तो आटा कैसे पिघलेगा? क्या करूँ उसका? लेना अम्मी है ना, ये 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 कहाँ सो रहा था, मेहनत कर रहा था आप लोगों के लिए अम्मी, मेहनत पेस्ट्री बना रहा हूँ आप लोग के लिए, देखो अगर हम सोच रहे थे कुछ खाने को लगे हुए हैं शाम से लगे हुए हैं, मुझे पापा खा रहे बस खिचड़ी जैसे ही खा लेंगे। मतलब किसने बनाई पूरी, से बनाई है हम बेटी खाला, मैं यही बात कर रहे थे कुछ इनको सारा जरूर कर रहा है, कुछ बना रहा है, ये कुछ कर रहा है जरूर। सभा कब तक आएगी? आने निकल चुकी है। हाँ ठीक है, बाकी की अम्मी के जाने के बाद बनाएंगे। बस अब वो नीचे से निकाल देंगे बाद में ना। हाँ। अच्छा लेकिन एक मिनट, वो लोग जैसे उठाएंगे अगर टीचर देखा खाने से पहले तो समझ जाएंगे। ऐसे जाएंगे पेपर कट कर दो, बोलो ऊपर ऐसे कर दिया जी केक में, ऐसे मुझे भी खाती है ऐसे। हाँ वैसे भी वो देखने में केक लग रहा है। फिलहाल भूख लग रही है बहुत जोर से, खुराफात करने में बहुत वक्त बीत गया, प्रोटीन भी लेते हैं।
पर दिख तो नहीं जाएगा ना उठाने में कहीं, तेल लगाना चाहिए कि नीचे नहीं लग तो नहीं ना कि फेक है। आपको लगेगा, हमको नहीं लगेगा। तो हमारी 6 के 6 फेक पेस्ट्रीज जो हैं, पेस्ट्रीज बोलेंगे, मफिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो बन के रेडी हो गई हैं। सभा कहाँ गई है पता नहीं, वो अभी आने वाली है तो उसका वेट करेंगे। जब तक हम खा लेते हैं खाना, मूंग दाल का डोसा, चीला ना, चीला डोसा, डोसा ये एक ही चीज़ है, एंड चिकन। तो अभी हम खाना खा लेते हैं, फिर जब सभा आ जाएगी फिर देखते हैं कितना प्लान कामयाब होता है कितना नहीं। चलो सबसे पहले हैप्पी विमेंस डे ये तो बना चुके हैं, भूल जाता हूँ, मतलब वही है मैं इसको थोड़ा सा छोटे शेप में मैंने कहा डेकोरेशन हमेशा कुछ ना कुछ गिर गया पूरा बच्चे जैसे डेकोरेशन की है। आई होप मैं पास हो जाऊं, फेल ना हूं मैं, बस खा के बताएंगे। जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं अभी मीठा नहीं खाऊंगी, हमेशा भाई आके तोड़वाते। मैंने कल 2 दिन से सोचा था नहीं खाऊंगी, मैंने 2 दिन नहीं खाया। आज मैं बाहर गई थी, वहाँ गुलाब जामुन भी मैंने नहीं खाया, लेकिन अब मैं ये खा लूंगी। अभी जब मैं बोलूंगा तब खाना है, ठीक है? पकड़ो कितना। अच्छे से था? अभी नहीं, अच्छे से बाइट लो, काटो, अच्छे से बोलना कैसा, काटो पूरा काट के। अरे तो बर्गर भी है। हाँ चलो खा लेते, काटो मम्मी, अम्मा काटो। क्या हुआ? क्या हुआ? बस मीठा मीठा ज्यादा है, कट कट हो रहा है, बाकी कुछ है
मुझे क्या लगता है इंतजार बोला कि सबसे ज्यादा यही खाएगी, इसी के ऊपर सारा प्रैंक काम करता है। तो बेसिकली क्या है, मैंने कहा विनीश जे पे यार चलो ठीक है, हमेशा हम केक कट करते हैं, फ्लावर्स देते हैं, आज कुछ इन पे सब हमेशा बोलती भाई कोई प्रैंक वीडियो बना, प्रैंक वीडियो बना। तो मैंने कहा लो प्रैंक वीडियो। इनवाइट आया तो मुझे लगा कि भाई से कुछ थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी अंदर की, कच्चा रह गया। नहीं लेकिन बेचारी ने लेकिन अच्छा हुआ आपने सही टाइम पे नहीं दिया, तो वोमिट हो जाती है मुझे, वैसे होता ना अंदर से आता है। अम्मी अम्मी बाहर बोलती है सस्ते में निपटा अच्छा लगा तो कोई खा ले, चलो आज मीठा खा लूंगी। चलो असली केक लेके आते हैं, असली केक होने वाली हो जाती है उल्टी आई हुए, तो मैं किसने से खाए, दिमाग में कैसे आया। मुझे याद है एक बार आपने गुजिया भरी थी याद है, एक बार ऐसे अम्मी ने किसी को खिलाया था गुजिया, हाँ गुजिया, दुकान वाले को प्रैंक करके, होली का था समथिंग करके कुछ था, तो अप्रैल फूल पे के अम्मी ने गुजिया बनाई थी, गुजिया के अंदर कच्चा आटा, मैंने सूखा आटा भरा हुआ था, मैंने तो फिर भी उसको गूंद के गीला भरा हुआ है वो बदला दिया भाई, मतलब अल्लाह ही खाने की चीज देते था, आज यही फेंक के था। इतने सालों बाद माँ की बात आज याद थी तो वही हमारे ऊपर कर दिया। एक्चुअली हम सोच रहे कुछ प्रैंक करते हैं, प्रैंक करते हैं, प्रैंक करते हैं, फिर मैंने कहा कुछ तबीयत खराब करूंगा तो ज्यादा हो जाता है वो, अच्छा नहीं लगेगा, क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, फिर मैंने कहा ऐसे कुछ करते हैं जो मुंह में खाए तो ऐसा लगे ये करें वो करें, देन फिर पहुंचे हम लोग कि हम ये बनाते हैं। बिल्कुल कोई नहीं सोच सकता, कम से कम झूठ मारोगे, मैंने 50 बार तारीफ करी कि सालू बेचारा भाई पसीने में, नहीं तो मेहनत लगी है इसमें भी, मेहनत इसमें भी लगी है, मेहनत इसमें भी लगी है, मैंने बहुत की है, पूरा आटा खुद गूंदा सब कुछ उसमें सब प्रॉपर मिलाया, लग रहा है ना केक लग रहा है, इसलिए तो किशु रख के दिया था कि अगर नीचे देखोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा करा कोई चीज से, अब तुम अम्मा उल्टे होते से बची, मुँह अच्छा करा, क्या कुछ आज अम्मा जान गई सालू को, वो अभी भी शौक में है सब क्योंकि बहुत गंदा टेस्ट मेरे मुंह में आया है, इतना किसी ने नहीं खाया, लेकिन जेन्युइनली बेचारी ने सबसे बड़ा बाइट उसने लिया था, इसी के सबसे ज्यादा है सर। और ना मैं उसी को देख रही थी कि मैं ऊपर का चॉकलेट बाइट ले रही थी और मैं एक नजर से सबा को ही देख रही थी क्योंकि वो सबसे बड़ा बाइट ले रही थी, तो उसने बाइट लेते ही सबसे पहले तभी सानू बोल रहा था कि सब लोग एक ही साथ खाना, अलग अलग नहीं खाना, थी कि हमें कि अब ज्यादा ना खाए तो कैसे सानू इतना चंदा चला अभी अच्छा वाला। एक्चुअली मेरे दिमाग में था पर मैंने कहा ज्यादा जाएगा, मैंने कहा एक और फेक बनाते हैं और उसके अंदर भी ये बॉक्स के अंदर भी वो रखते हैं और वो भी खिलाते हैं, डबल प्रैंक, लेकिन वो फिर मेरी भी ज्यादा मेहनत आती, क्यों तुम ही खाओ पहले कोई भी केक बनाते हैं तोड़ के खाते करके, और मैंने सोचा अरे बर्गर है बर्गर पूरा नहीं किया, तो बर्गर भी है। चलो काटो ये अच्छा वाला है, ये असली वाला है, चलो काटो ये। आ जाओ अम्मा अम्मा अम्मा
मामा हमेशा मेरे मुंह पे लगाते आपको अलग से इसका हर गाने बोलना पड़ेगा, हम लोगों को चाहिए। अभी आप चौकन्ने रहना। देखो ये हमारी इस साल में वुमेन्स डे है, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होता, हर दिन होता है, तो आज हमने प्रैंक कर लिया। अच्छा हाँ, वही हमने कहा सस्ते में निपट गया भाई, और एक औरतों को तुम कम मत समझो। नहीं नहीं भाई, 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 हाँ चलो वो मिस डे पे कुछ सबको सबकी बोलती बन रही, तो सबको हैप्पी विमेंस डे। बस जैसे हम सब खुश रहते हैं वैसे आप सब भी हमेशा खुश रहिए। रिजा सब लोगों को हैप्पी विमेंस डे। जितने भी दुनिया में जितनी औरतें हो सब खुश रहें, सब हिम्मत वाली बने, सब अपने आप को कम में समझे। हाँ जी सब लगे जान। और ऐसा न करें किसी के साथ बेटी का ला मजाक से हटके, बहुत अच्छा लगा, इतना हंस लिया, थैंक यू भाई। लेकिन इसके बदले कुछ कर रहा है ये नहीं है बदला। अरे दो प्रैंक्स हो गए यार, तुझको तो बड़े वाले, अभी हमें हर जाना इसका चाहिए। अम्मा क्या अल्लाह हमेशा खुश रहा बेटा, सब जने तो अच्छा आटा भर के। और ये देखो आज विमेंस डे के दिन पीछे क्या रखा है, सबा का जहाँ क्या है ये, अरे वाह ये ब्लॉगर का, अरे वाह ये बेस्ट ब्लॉगर। अरे वाह सही है, विमेंस डे सही महीने में सबा के लिए क्यों। चलो गुड, भाभी का गिफ्ट लेके आइए, इसलिए कहा भाई सस्ते में निपटा जा रहा है। थैंक यू। देखो मैं आपको हर साल दिलाता रहता हूँ सबको, आज मेरा मन था कि मैं आप लोगों को सिर्फ मस्ती करूं। बहुत अच्छा है, कलर बहुत प्यारा मस्त है, थैंक यू सबके लिए। तो मेरे लिए फिर कहाँ है। अरे अच्छा मेंस डे पे आप मुझसे सब लोग ले लेते हो, बर्थडे पे सब लोग ले लेते हो, सब ले लेते हैं। अरे पिछले बार लिया था हम लोगों ने मुझसे गिफ्ट, जब भाइयों का दिन आएगा तो देंगे। अब अभी तो हमें कल वादा कल क्या दे रहे हो, कल क्या दे रहे हो, या कुछ खाना बना के खिला दो कल यही। अच्छा चलो अभी इसका हर्जाना कि कल यही रखा है, कल नहीं 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 इसका हर्जाना इसकी भरपाई कैसे करोगे। कुछ भरपाई नहीं होगी, करनी पड़ेगी। नहीं अंकित को बैठते हैं, हां बैठ जाओ, भरपाई करनी पड़ेगी, कोई भरपाई नहीं पड़ेगी। हां कोई भरपाई नहीं, कभी कभी तो ऐसा टाइम आता है सब लोग साथ में भाई कर लिया था आधे दिन तो भाई साथ यहीं पे बैठ के दीना ठीक से काम दे दीना। हां बताओ है कि बताओ अम्मा, अभी ब्लॉग है ना, अभी बताना पड़ेगा। चलो भाई मिलते हैं नए ब्लॉग में जल्दी आप, अच्छी वाली कुकिंग करो, खाना बना दो, हाँ। दावत दे दो, ठीक है हाँ। कुकिंग कर दूंगा, पर अभी कल या परसों नहीं पता क्योंकि वो 3-6 महीने बाद। नहीं नहीं पक्का पक्का, तो मार्च खत्म होने से पहले इंशाल्लाह सबके लिए एक प्रॉपर दावत, हाँ, दावत। अभी तो बस गाड़ी भी आने वाली है एक हफ्ते में अंदर इंशाल्लाह, डबल डबल अलग है। क्या रेहान आज का वीडियो हैप्पी विमेंस डे का, बहुत से लोग मुझसे बोल रहे थे शोएब भाई प्रैंक का वीडियो बनाओ, प्रैंक का वीडियो बनाओ, इवन सब ये बोलते थे भाई कुछ प्रैंक ट्राई करो, प्रैंक ट्राई करो। तो मैंने कहा आज से अच्छा मौका नहीं मिल सकता, बट ये सब मजाक की बात है। आप सबको पता है कि हम कितना ज्यादा अब सबसे प्यार करते हैं, और दीपिका की मम्मी वो यहाँ पे है नहीं, तो आपको भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो मम्मी, हैप्पी विमेंस डे। आप बच गई ना, अभी केक खाते बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना तो मैं आपके बना किसी और रूम में बना के रखेंगे। तो बस ऐसे ही आप खुश रहिए, खुश रखिए अपने घर में सारी औरतें जो भी हैं किसी भी रूप में हो उनको खुश रखिए, और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज गलत चीज नहीं, पेरेंट्स को प्यार उनकी रिस्पेक्ट उनकी केयर कीजिए, और छोटे मोटे ऐसे आटा वाटा खिलाते रहिए, प्रैंक करते रहिए, हंसी मजाक करते रहिए क्यों। और लास्ट में हम सब की तरफ से सबको
क्या हुआ? खा ले भाई, टेस्ट कर ले। नहीं आप खा ले, खा ले। नहीं आप खाओ, मेहनत आपने किया।